अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक्रेलिक कटिंग एंड मार्किंग की वीडियो बना रहे हैं। ये मेरे पास दो किस्म के एक्रेलिक्स हैं, एक येलो गोल्ड में है और एक प्योर गोल्ड में है। हम येलो गोल्ड में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादातर क्यूरीज येलो गोल्ड में आ रही है। अब येलो गोल्ड में बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोबाइल का लेआउट चाहिए होता है कि हमने कौन सा मोबाइल कटिंग करना है। हम सबसे पहले मोबाइल का लेआउट बनाएंगे, ठीक है। मोबाइल का लेआउट कोरल में बनता है। ये मैं कोरल की फ़ाइल खोली, ये मैं आया SVG फाइल्स के फोल्डर में, ठीक है। इसके अंदर हमने बनाना है A15 का, ये A15 का लेआउट आ गया, ये देखें, ठीक है। A15 का लेआउट आ गया, इसको हमने ये देखे, ये मैंने RDWorks का सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर इंपोर्ट किया होगा कोरल ड्रा में। ये मैं कोरल ड्रा 5x5 चला रहा हूँ। ये मैंने खोला, इसको मैंने क्लिक किया तो ये कुछ विंडो इस तरह की खुल गई, ये देखें, ये विंडो खुल गई। अब हमने इसको जो कि मोटा मटेरियल काटना है अपनी रोडा मशीन पे, सबसे पहले रोडा मशीन पे कटेगा। इसको हम काटेंगे 20 mm की स्पीड एंड 40 की हमने पावर कर ली, ये देखें, ठीक है, 20 mm बाय 40 पावर, ओके। अब यहाँ से हम इसको सेव टू यू फाइल करेंगे। सबसे पहले हम ये USB लगाएंगे, ये मैंने USB कंप्यूटर में लगाई और ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है सेव टू यू फाइल। ये सेव टू यू फाइल में काफ़ी सारे USB में पहले भी फाइल्स हैं, तो इसका मैं नाम रखूँगा A15 हार्ड शीट बाइल की गोल्डन बैग हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी USB ली एंड एक्रेलिक, अगेन येलो एक्रेलिक। ये हमारे पास रोडा मशीन है बड़ी, ठीक है, आपके पास छोटी मशीन भी इसके ऊपर वर्क कर सकती है। ये मैंने रखी यहाँ पर साइड पे, ये ऑप्शन होती है पीसी USB यू डिस्क और नीचे नेटवर्किंग पोर्ट। हमने यू डिस्क पे लगाना है, ये इसकी स्क्रीन है, फाइल्स के ऑप्शन। उसके बाद ये इसका होता है वो अप डाउन, इसके अंदर यू डिस्क प्लस रीड यू फाइल और सबसे नीचे हमारी A15 हार्ड शीट, ये कॉपी डन हो गया। इधर से हम बैक आए, फिर बैक आए स्केप से, ये लेआउट आ गया, ठीक है। अब हमने इस शीट को सेट किया और इसी से हम मूव कर रहे हैं हेड को। हेड की लाइट हमने सेट की, ये एक्रेलिक हमने सेट की। अब हम देखेंगे थोड़ा सा हेड आगे किया ओरिजिन, ये इसके अंदर ऑप्शन होती है फ्रेम की। जब हम फ्रेम करते हैं ना तो वो हमें बताता है कि इसने कितना कट करना है, हाँ जी, उसके अंदर। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखें, ये कटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, कट हो रहा है, जितनी स्लो स्पीड में कट होगी उतना ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और जितनी फास्ट स्पीड में कट होगी उतनी फिनिशिंग जो है वो कम होती जाएगी। अब ये देखें, ये हमारी कटिंग डन हो गई, ये हमारा एक्रेलिक, ये देखें, ये कैमरा, ये एक्रेलिक, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसने 38 सेकंड के अंदर काटा है हमारा ये वाला लेआउट। अब आ जाएं, ये यहाँ तक का हमारा प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। अब हम इसका डिज़ाइन, क्योंकि हर लोग कहते हैं कि हमने अपना नाम लिखवाना है, हमने नाम लिखवाना है या कुछ करना है, तो हम उसके लिए अपना ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है EasyCAD, जो कि CO2 मार्किंग मशीन के लिए, जो हमारे पास मशीन है CO2 मार्किंग मशीन, ये 30 वाट की मशीन है,
ये भी आपको हमसे मिल जाएगी, मटेरियल भी मिल जाएगा, अगर आपने बना बनाया लेना वो भी मिल जाएगा। अब ये इसके अंदर SVG फाइल चलती है, कंट्रोल बी करेंगे ये फाइल खुल गई। इसके अंदर A15 के नाम से मैंने पहले से सेव किया हुआ है क्योंकि हम काफ़ी ज़रा बना चुके हैं। A15 पे हमने ऐसे किया, एंटर किया तो ये आ गया, सी से ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर कंट्रोल बी, अब हम इसको डिज़ाइन लगाएंगे, अपना नाम बनाएंगे, नाम लिखेंगे, सारा कुछ करेंगे। ये SVG डिज़ाइंस, इसके अंदर सबसे पहले बी बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये वाला हम इसको बॉर्डर लगाएंगे। ये मैं ले गया इधर, ठीक है, इसकी सेटिंग करूँगा मैं ये, ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे हम लोग कोई डिज़ाइन लगाएंगे, हम अपनी कंपनी का लोगो, जो कि जिस कंपनी के साथ जो हम काम कर रहे हैं, ये इसको भी सी करेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, HUK। इसके नीचे मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूँगा, ये आ गया, इसको मैं छोटा करूँगा, ये काफ़ी बड़ा है, सी से सेंट्रलाइज, आप देख रहे हैं, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इसकी जगह पर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम इसका भी फ्रेम लेंगे। इस इजी कैट के अंदर फ्रेम लेने का तरीका होता है F1। ये मैंने एक्रेलिक का पीस उठाया, ठीक है, ये एक्रेलिक का पीस है, जूं के हमने इसको बैक साइड से करना है, इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, और आप ये देखें ये येलो कलर का आपको एक वो नज़र आ रहा है, इसको हम इसके सेंटर तक लेके आएंगे जहां हमने मार्क करना है, देखें वो लाइन नीचे आती है साइड पे हो रही है, ये देखें थोड़ी सी नीचे हो, ये बेटर हो गई, ये बेस्ट हो गया, और साइड से भी बेस्ट हो गया, ओके, ये आ गया। अब क्योंकि हमने इसको बनाया मिरर है, तो हम इसको इस ऑप्शन से इसे हम साइड इसकी चेंज कर लेंगे, ये इसकी साइड चेंज होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सेंट्रलाइज तो इसे कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका ये बॉर्डर जो है ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाना है, बॉर्डर नहीं बनाना। इस ये H4 हैश, इसके यहाँ पे हैश फिल करेंगे, हैश में हमने जो लाइन स्पेस रखनी है वो 0.15 रखनी है, इसको यहाँ से बस ओके, और आपने कोशिश करनी है डिज़ाइन को लहदा लहदा हैश करना है, ये हैश फिलिंग हो गई, ठीक हो गया। अब इसको हमने सारे को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर आ जाएं, हमने यहाँ पर 95% मैंने पावर रखी हुई है, इसको मैं कर देता हूँ 50% और स्पीड को कर देता हूँ 1200, ठीक हो गया। अब आ जाएं इसकी तरफ, अब जस्ट आपने F2 दबाना है, ये मार्क होना शुरू हो गया, ऐसे आप अपना नाम, आप जो भी मार्क करवाना चाहते हैं, ये देखिए ये मार्किंग हो गई, ठीक है। अब मैं जस्ट इसके ऊपर से पेपर उतारूँगा, जो कि नहीं उतारा, ये मैंने पेपर उतारा, ये देखिए ये मार्क हो गया। अब इसके नीचे आप जो भी आप गोल्ड रैप करेंगे, जो भी करेंगे, वैसा इफेक्ट इसके नीचे आ जाएगा, जैसे ये गोल्डन पेपर, ये गोल्डन पेपर है, ये देखें ये गोल्डन नीचे इसके ऊपर वो आ गया। और इसको मार्क करने में टाइम लगा है,
19.76 सेकेंड। थैंक यू सो मच। ये आज इतनी सी वीडियो थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।